ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी का कुंभ में आज के दिन इस दिशा की मीटिंग पे के अवसर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रोजेक्ट्स जो है वो इनॉग्रेशन के लिए कंप्लीट हो गए हैं, तो आपके शुभ हाथों से उसका इनॉग्रेशन करवाना चाहते हैं। सामना टू मुख्यालय जियारत रोड है सर, काफी दो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैडम के जो मिलने के बाद दुर्घटना हुई है उससे क्या जो है वो रिजल्ट किया जाता है मूवमेंट के लिए, कुछ परसेंटेज जो है मूवमेंट को दी गई होती है काम के लिए, जो म्यूनिसपैलिटीज हैं जो पॉपुलेशन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये निश्चय किया है कि वो सारी सुविधाएं जो बेसिक सुविधाएं रहती हैं जो आज से कई वर्ष पहले लोगों को मिल जानी चाहिए थी, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई है, लेकिन अब जो उनका हक है वो उनको मिले। सर आप आए हैं आपके माध्यम से हमारा छोटा काउंसिल सेंटर है, यहाँ पर अगर कोई फंड्स मिल जाए हम फिर ब्लॉक नागरिक आईपीडी चार से बैठ हॉस्पिटल बना दें, फिर एक एमओ होगा तो यहाँ पर अच्छा खास ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे 249 पंचायत में बने हैं, उसमें भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो प्लस उसी में एक उन्होंने भी ये इस तरह का प्रपोजल ड्रग डिटेक्शन सेंटर का हमसे मांगा था भेज दिया 3-4 दिन पहले, तो अवेयरनेस को लेकर उसमें मैडम ने भी प्रोग्राम 2-3 अटेंड किए हमारे साथ करके लोगों को टेंडर जो हो रहा है क्या वो समय से टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद अलर्ट भी हो जाता है और उसके बाद काम वो शुरू भी हो जाता है? तो काम सर मुश्किल है कि जब तक हम सेवा भाव से काम नहीं करेंगे तब तक हम अपना फर्ज जो है वो नहीं निभा रहे। सांसद हम 2 दिन से जिला पुंछ में थे और इन 2 दिनों में हमें काफ़ी स्थानों पर जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ और लोगों की समस्याएं सुनने का भी लोगों की समस्याएं सुनने को मिली और उनका समाधान करने का भी हमने प्रयास जो है वो किया है। विशेष तौर पर जिला पुंछ में दिशा की मीटिंग जो थी आज उसका समय रखा गया था, समय से हमारी दिशा की मीटिंग जो है वो शुरू हुई। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने यहाँ के डीसी इंद्रजीत जी का कि उन्होंने कम समय रहते ये मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की है ताकि हम जहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का एक रिव्यू ले सकें, उस पर चर्चा कर सकें, यो पैसा जिस स्कीम के लिए आया था उस पर लगा और वो स्कीम जो है वो समय अवधि के दौरान ही पूरी हो और उसके साथ साथ ही एक नहीं कई स्कीमों पर चर्चा जो है वो आज जहाँ पर हुई, लगभग हर एक डिपार्टमेंट के जो HOD रहते हैं वो इस मीटिंग में थे और हमारे साथ यहाँ के SSP, यहाँ की हमारी जो DDC की चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन, इसके साथ ही यहाँ के BDC और साथ ही हमारे यहाँ के मेंबर्स भी थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बात जहाँ पर रखी है। सबका एक ही मकसद है कि इस जिला पुंछ को विकास की दौड़ में आगे ले जाया जाए और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स जितनी भी आती हैं वो समय से पूरी हों, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए और जिस मकसद के लिए जो पैसा आया है वो पैसा उसी प्रोजेक्ट के लिए लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आम आदमी के लिए, गरीब गांव, गरीब और किसान के लिए ये स्कीम्स जो हैं वो शुरू की है और अब हम सबका ये दायित्व बनता है कि वो सारी सुविधाएं जिसके वो आम जनता हकदार है उन तक पहुंचाएं ताकि देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो सही साबित हो और उस पर ये जो जिला पुंछ है ये अच्छा साबित हो रहा है और कई विषयों को लेकर
जिला पुंछ जो है वो नंबर वन भी आ रहा है। और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि वैक्सीन कोरोना महामारी के कारण देश में अफरा तफरी का माहौल जब बना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसे बड़ी अच्छी तरह संभाला और अपने ही देश में निर्मित वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाई और फ्री में पहुंचाई और फिर आम जनता तक वो पहुंची और जिला पुंछ भी उसमें कहीं पीछे नहीं रहा है। वैक्सीन का जो काम है वो यहाँ लगभग पूरा होने जा रहा है और विशेष तौर पर जो नौजवानों को वैक्सीन लगनी थी वो भी लगभग अभी थोड़े दिनों बाद 100% उसका जो टारगेट है वो पूरा किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जहाँ पर आए थे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, रोड पर हुई है, पानी पर हुई है, बिजली पर हुई है और ब्रिजों पर हुई है, ताकि इस जिला का जो है विकास जो है वो हो।